अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको पता है कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और आज हम जगाधरी और अंबाला कैंट के एरिया में हम अपने जो जनता के विचार देखेंगे और देखेंगे। हम यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं जो टुंडली गांव है और यहाँ का जो लोकतंत्र का पर्व लोग किस तरह से उत्साह के साथ मना रहे हैं। रिकेश जी, सबको दिखाइए कि लोग किस तरीके से इस जगह पर लोकतंत्र का जो पर्व है मनाया जा रहा है और लोगों के अंदर एक उत्साह है, देखिए। और यहाँ से हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अंबाला कैंट, आपने जगाधरी के रिपोर्ट देखी और अंबाला कैंट के लोग किस तरह से सिलेक्शन को देखते हैं। आइए हम यहाँ से यात्रा शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर जो लाल कुर्ती है, सबसे सेंसिटिव एरिया, अब हम खड़े कांग्रेस के बूथ पर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कनौजिया जी। अच्छा जी, आप ये बताइए, सबसे जो आपसे बात पूछेंगे जो डेवलपमेंट की, जो बीच साहब कह रहे पर्चे दे रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रही है और दूसरी सिटी वाले कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुई, तो आप बताइए ये कहाँ तक सच्चाई है? डेवलपमेंट नाम पे कोरा भ्रष्टाचार हुआ है अंबाला में। बातें होती हैं 5-5 हज़ार करोड़ की, लेकिन कोई एक प्रोजेक्ट बीच साहब बता दें कि वो पूरा हुआ। बताया इन्होंने सुभाष पार्क बनी है, सड़कें बनी हैं, SD कॉलेज वाली, मेरी बात सुनिए, सेक्रेटेरिएट बना है और कह रहे बाकी हम बता देंगे। 280 करोड़ का बैंक स्क्वायर बन रहा था, चलो आप रिवाइज होके 216 करोड़ कैसे हो गए वो प्रोजेक्ट? सिविल हॉस्पिटल आज तक कंप्लीट नहीं है, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना अंबाला में? आप ये बताएं एम्प्लॉयमेंट के लिए आपने अंबाला में क्या दिया, 10 साल आपने राज करा? हाँ जी, आप मेरी बात सुनिए, आपने पूरे विस्तार पूर्वक बताया जी। ये बताइए, पहले चित्रा जी को टिकट मिलनी थी कांग्रेस की, ठीक है ना, तो आप परी जी को ले आए, तो आपको लगता है इससे इफेक्ट पड़ेगा, डम पड़ेगा मुकाबले में कि नहीं? नेशनल पार्टी है, किसके घर की बपोती नहीं है पार्टी। एक टिकट पार्टी ने कही थी, एक टिकट दे दी, लेकिन किसी साजिश के तहत सिटी में कैंडिडेट बिठा दिए जाते हैं, अंबाला कैंट में नहीं बिठाए जाते। इसका मतलब जो निर्मल सिंह जी खड़े हैं वो सिटी से, वो कांग्रेस पार्टी से खड़े हैं। और ये मुद्दा पिछली बार भी उठा था कि फादर कांग्रेस से बेटी इंडिपेंडेंट, तो इसको आप कैसे देखते हो? ये आप समझदार हैं राहुल गांधी, समझदार जनता को भी बताइए ना, ये भी समझ पता है और राहुल गांधी जी को भी पता भी, वो अंबाला दौरे पे आए थे कि क्या खेल खेला जा रहा है कैंडिडेट के साथ। जब एक आदमी सर्वे में फर्स्ट आता है और पार्टी हाईकमान ने किसी के सर पे हाथ रखा है तो सबका फर्ज है उसका सर्वे। सर्वे फर्स्ट कौन आया था? परविंदर सिंह परी आया था। परविंदर सिंह परी जी आए थे, ये कह रहे सर्वे फर्स्ट आए थे। आप मुझे एक चीज बताइए, ध्यान से बताइए जो सवाल पूछूंगा काका तेरे से भी, अगर चित्रा यहाँ से जीतती है, कांग्रेस सरकार बनती है, अच्छा, तो चित्रा कांग्रेस समर्थन देगी कि जीतेंगे? ये तब की बात है, ये इन्होंने कह दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया चित्रा की विजय पर कि ये जीतेंगे तभी होगा, पहले नहीं होगा। अगर इफ एंड बट्स राजनीति में होते हैं तो आप ये बताइए कि ये स्थिति, जो आप कांग्रेस का वोट बैंक है वो अलग हो गया, अगर चित्रा जी को टिकट मिलती या किसी और को मिलती तो आपको लगता है ये सीट काफी सेफ हो सकती थी? ये तो मानते हो वोट डाइवर्ट हो रहा है, चित्रा का वोट डाइवर्ट हो रहा है, ये तो मानते हो? अगर कोई भी डिसिडेंट लड़ेगा तो डाइवर्ट तो होता ही। ये बताइए आप, अगर आपके MLA साहब बनते हैं यहाँ से, तो उनसे आप इस एरिया के, लाल कुर्ती एरिया के कौन कौन से दो काम बड़े करा के दिखाओगे? सबसे बड़ा मुद्दा है ड्रेनेज का, यहाँ ड्रेनेज नहीं है, आधे घंटे की बारिश में यहाँ क्या पूरे अंबाला कैंट में पानी भर जाता है। दूसरा सीवरेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पुराने सीवरेज पड़े हैं मेन बाजार में अंग्रेजों के टाइम के। वो ये बात तो चित्रा वाले भी कह रहे हैं कि हम ये काम, उससे अलावा बताइए क्या काम कराओगे ना? ये तो सर मेन मुद्दे आपने पूछे, लाल कुर्ती क्या वो मुद्दे, इसके अलावा बताइए, जनता तो एक्स्ट्रा चाहेगी ना कि हाँ कि आप इसके अलावा क्या कराओगे, जैसे यूथ है इनके लिए क्या करोगे, कुछ आपने फ्रेम वर्क तो बनाया होगा ना? आपको बताया 2 लाख हमारा मैनिफेस्टो में नौकरियां देंगे, कांग्रेस सरकार भरेगी, 2 लाख जो खाली पद पड़े हैं मिलेंगे, 100% मिलेंगे, पक्का 100% गारंटी ले रहे हो? कांग्रेस की सरकार बन रही उस तरह से तो नहीं होगा जैसे पहले 8500 रुपए नहीं आया, ऐसे तो नहीं होगा ना, गारंटी ले रहे? हमने कहा था पहले हमने कहा था हमारी सेंटर में सरकार बनने पे 8500 दिए जाएंगे, जहां हमारी स्टेट में सरकार है वो 2000 का वादा है वो भी आएगा, 6000 पेंशन भी होगी और जो 2 लाख खाली पद पड़े हैं सरकार के वो भी भरे जाएंगे। अच्छा, आप चित्रा जी ने एक स्टेटमेंट दिया था यहाँ पर कि जो सरकार आएगी उसमें मेरा एक बहुत बड़ा योगदान होगा, वो योगदान किस दृष्टि से होगा? ये तो देखो उनके बारे में उनकी क्या सोच है वो टिप्पणी कर सकते हैं, मैं कैसे बता सकता? ये कहते मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये प्रश्न है जनता के दिमाग में, लेकिन ये कहते हम नहीं बता सकते। हाँ बेटे, क्या नाम आपका? राघव कनौजिया। राघव, क्या क्या तुम यूथ हो, तो क्या यूथ हो के क्या आपको लगता है कि जो काम होने चाहिए? सर मेनली तो ये यूथ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। कितना बड़े हो आप?
सर मैं अभी 12th स्टैंडर्ड कर लिया, मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज हूँ, इन फर्स्ट ईयर में बीटेक कर रहा हूँ। सर पहली बात तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बननी चाहिए और थोड़ा और बड़ा मेरे ख्याल से कॉलेज, एक तगड़ी यूनिवर्सिटी अंबाला में। चलो ये बताइए यहाँ पर कितने परसेंट वोट हो गया है? नियर अबाउट 56 to 57 परसेंट वोट हो चुका है यहाँ पर। हाँ जी सरदार जी नमस्कार जी, कितने परसेंट वोट हो चुका है? हाँ जी कितने परसेंट वोट हो चुका है? क्या कह रहे हैं? कितने परसेंटेज वोट हो चुके हैं? विकास विकास नहीं, अब तो परसेंटेज वोटेज की बात है। एक में तक सर 36% था। हाँ हाँ 50 को हाँ ये सब मेन मुद्दे इन्होंने भी उठाए, लेकिन हम आपसे यही उम्मीद करते हैं सभी से कि आपका भाईचारा कायम रखना। इलेक्शन आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन एक भाईचारे के साथ ये इलेक्शन जो आप सेंसिटिव टाइम जा रहा है, ये 2 घंटे जो इतने सेंसिटिव हैं, एक आप अपने भाईचारे के साथ इलेक्शन मेरे और भाईचारे से चलते रहे। हाँ जी क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम धर्मेंद्र यादव। आगे करते हैं, सुनो एक सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ सुना, सिक्के के दो पहलू बताएंगे। हाँ, एक सिक्का है, ये एक आजाद कैंडिडेट है, वो भी कांग्रेस का था। हाँ, उसको टिकट नहीं मिली, वो आजाद लड़ रही है। ऐसी विस्सा भी आजाद लड़े थे कोई किसी समय पे। अच्छा जी, विकास परिषद के नारे से। अच्छा, आज उनको टिकट मिली है, वो पार्टी से लड़ रहे, 7 बार MLA बने। अब 6 बार बने, 7वीं पहले बना दिया, एडवांस में बना दिया उन्होंने, एक बार एडवांस में 20 साल को MLA बना दिया, अभी तो 7वीं बार। सातवीं बार वो ठीक कह रहे हो, 7वीं बार लड़ रहे हैं। ऐसी 7वें नंबर में चित्रा का भी निशान है, सिटी बज रही है। अच्छा, 7 नंबर की कहानी है, मतलब यहाँ पर कहानी 7 नंबर की है। 7 नंबर चित्रा का चुनाव निशान है और 20 साल भी 7वें बार इलेक्शन खड़ रहे हैं यहाँ से, तो 7 नंबर यहाँ पर सत्ता पर किस तरह से काबिज होगा, ये देखने वाली बात है। और हमारे बीच में और जुड़ चुके हैं उम्मीदवार जो यहाँ पर वोटिंग पाके आए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र पाल है जी। महेंद्र पाल जी, क्या पोजीशन लगती है यहाँ की? यहाँ के इलेक्शन ठीक है, बड़ा शांतिपूर्ण हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे सेंसिटिव एरिया माना जाता है, ये सबसे अति संवेदनशील एरिया ये, और यहाँ पर पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है और जो कार्यकर्ता है वो भी एक अच्छे तरीके से, एक सद्भावना तरीके से यहाँ पर भाईचारा बनाकर एक इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप ये बताइए, आप जनता को क्या कहना चाहोगे? जनता को यही कहना चाहेंगे, जिन्होंने काम किया उनको वोट दो, जो काम किया वोट, जो देश शहर की तरक्की करा रहे हैं उनको वोट दो, और आगे के लिए उनसे अपेक्षाएं रखो और उनसे डिमांडें करो कि हमने आपको वोट दे के जितवाया और आगे आज तक तुमने जो विकास कराए हैं उससे और ज़्यादा विकास कराओ। यानी आपका कहना मतलब जो आपका वोट का मोल पाए उसको वोट दो, वोट दो उसको वोट दो, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई अनिल विज जी ने, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अम्बाला कैंट के। इन्होंने कहा कि भाई अनिल विज जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो ये अपने अपने ही बता रहे हैं, अपना संदेश भी दे रहे हैं कि वोट देकर सफल बनाए उनको, जिन्होंने अच्छे काम करे हैं, हॉस्पिटल बनवा दिया, बैंक स्केयर बनवा दिए, सुभाष पार्क लोगों को घूमने फिरने के लिए बनवा दिया, धर्मशालाएं बना दी, SDM ऑफिस बनवा दिया जहाँ एक ही छत के नीचे सारे काम हो रहे हैं, सिख गुड़गुड़िया नालिया बना दिया, 6 लाइन बनवा दी, और उनसे क्या चाहती है गवर्नमेंट? हर 16 करोड़ समर्थ तो भगवान ही हो सकता है, इंसान तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। ठीक है, आपका नाम क्या जी? मेरा नाम महेंद्र पाल तुल्ली। अच्छा, कहाँ पर रहते हो? यहीं लाल कुर्ती में रहते हैं। लाल कुर्ती में रहते हो? 471 मकान नंबर है मेरा। मकान का भी एड्रेस बता दिया, चले आइए। गतिविधियाँ ये है जी, चौधरी अखरम खान प्रत्याशी हैं विधानसभा जगाधरी से, कांग्रेस से, 80,000 प्लस हैं जी, जी एक तरफा है जी। हमारे इस बूथ के ऊपर 1300 कुछ है जी, 600 कुछ पोल हो चुकी है। कांग्रेस में मैं MC रहा हूँ जी, XMC रहा हूँ जी, गादरी वार्ड नंबर 24 से जी। ओवरऑल सरकार कांग्रेस बना रही है जी, परिवर्तन है, बदलाव है, और स्पष्ट है तो बदलाव तो है ही है जी, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो हमारा सनातन से अलग है, मुस्लिम है, इसलिए जनता चाहती है कि हम मुस्लिम को वोट नहीं देंगे। और जो दूसरा प्रत्याशी है वो दल बदलू है, उस अवसरवादी है, वो जहां उसका अपना फायदा है वो अपना फायदा देखता है, और वो सिर्फ एक वोट कटवा है कैंडिडेट है, इसलिए हमारी जीत 100% पक्की है, निश्चित है। कुल मिलाकर हम यहाँ से यमुनानगर की घनश्याम दास की सीट हम निकाल रहे हैं, रादौर की सीट हमारी निकल रही है, जगाधरी की सीट तो 100% हमारी निकले। पिछले 5 सालों में हमारी सरकार ने बहुत काम कराए, धारा 370 हटाई, इतने सड़कें बनवाई, नालियां गलियां बनवा दी,
शहर को एक बिल्कुल एक मॉडल रोल बना दिया जी। ओवरऑल हरियाणा में हमारी 65 से 70 सीटें आएंगी जी। जी मैं जोगिंदर सिंह पूनिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी आम आदमी पार्टी चौधरी आदर्श पाल जी कम से कम भी 1.25 लाख वोटों इन पर डालेंगे। तो हमारे ये तो 145 के करीब है। हाँ जी, हाँ 145 भाई, 70 तो मान का चलो भी, 70-75 1.25 लाख तो नहीं, ये तो दावा तो सारे ही करेंगे, दावा तो सारे ही करेंगे। हमारा नया कैंडिडेट है, बाकी जो पहले कैंडिडेट हैं इनको हम सबको देख रखा। जनता हमें विकास के लिए वोट डालेगी, दिल्ली का विकास देखेगी जनता, पंजाब का विकास देखेगी, इसलिए वोट डालेगी। और हमारे कैंडिडेट भी जाना निर्विरोध कैंडिडेट है, हमारे कैंडिडेट का कोई विरोध नहीं है। किस बारे में लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे भी हमारी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीतने के बाद भी हम शहर का अच्छा काम करेंगे। शहर की जो परेशानियां हैं, जो दूसरों ने नहीं करी, जो 10-10 साल से लोग जूझ रहे जिस बात से, उसको दूर करेंगे। लोगों की परेशानियों को भाई पैसा बलोटने का काम नहीं करेंगे। पेंडिंग मुद्दे तो शहर के सारे पेंडिंग ही पड़े। हाँ, नशा भी बहुत है, सड़कें भी टूटी पड़ी, सारे लोग रो रहे। आप मौके पर जाएगा, मौके के हालात दिखा देंगे आप ना। हाँ जी, समस्या का तो ऐसा जी, धीरे धीरे सभी गाल करेंगे। जब आप हम ही बेचने लगे ना, सो ना हम ही बकवाएंगे, फिर हम हल क्या करेंगे। मेरा नाम पवन विगे, दोबारा होगी जी रिपीट, तीसरी बार रिपीट होगी जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी रिपीट होगी दोबारा। फिर इनके विकास कार्य हैं, हमारे माननीय मंत्री जी चौधरी कंवरपाल जी ने बहुत यहाँ विकास कार्य किए हैं, और उन्होंने स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज, और यहाँ पर हमारे इधर एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है बहुत बड़ा। और उसके बाद हमारे शहर की जो सबसे बड़ी दिक्कतें थी सड़कों की, वो सारी लगभग सब सड़कें आज तक अब तक कंप्लीट हो चुकी हैं सारी। और हमारे मंत्री जी के पास कोई भी जाता है, वो हर एक बंदे को मिलते हैं, और जो भी किसी की समस्या होती है वो तुरंत उसका समाधान करते हैं हमारे मंत्री जी कंवरपाल जी। मेरा अपना ये पड़ता है स्कूल और वाल्मीकि बस्ती अशोक विहार माजरी, हाँ यानी जगाधरी। उम्मीदें तो बहुत हैं, चेंज चेंज आते हैं। ऐसा क्यों? बस थोड़ा सा पिछली सरकार ने काम किए, नहीं नहीं काम किए हैं, लेकिन जैसे बहुत सारी बेरोजगारी है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आई ना। हाँ जी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। और हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन में या रोजगार में आप काम कैसा हुआ देखते? बस इसी का ही तो बता रहा हूँ मैं, रोजगार थोड़ा सा डाउन है। हेल्थ तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन रोजगार के चक्कर में चेंज चाहिए। विकास सड़के वड़के तो बनी है, उसमें तो नो डाउट। हाँ जी, यहाँ के नहीं, वो तो मैं क्या बता सकता हूँ। अभी नाम सतीश कुमार है जी। हाँ, वोट डाल के आया जी। वोट तो अब की बार सरकार बदलाव चाह रही जी, पब्लिक अब की बार बदलाव। हाँ जी, कोई खास विकास नहीं आया जी। हम तो अपने अपनी कॉलोनी की बात कर सका जी, 10 साल के अंदर एक ईंट भी हमारी कॉलोनी में नहीं लगी है। उम्मीदें तो अब कांग्रेस पार्टी से है जी, अब तो उम्मीद यही है। दो ही पार्टी है, एक कांग्रेस है एक बीजेपी है। इस 10 साल के दौरान ना तो कोई नौकरी के चांस है जी, जो सरकारी कंपनियां थी सारी की सारी मोदी ने बेच खाई हो। अब ये जो अपना नई कोई भी सरकारी कंपनी इन लोगों ने नहीं लगाई है, तो मतलब ना तो रोजगार है ना नौकरी है, कुछ नहीं है। जैसे आपको पता है कि हम यहाँ पर
जो अति संवेदनशील एरिया है अम्बाला कैंट का लाल कुर्ती है और इसमें जो बूथ है जो यहाँ पर वोटिंग पड़ रही है यहाँ पर हम पता करते हैं, प्रेसाइडिंग अफसर हमारे बीच में मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? नरेश कुमार जी। नरेश कुमार जी, जो वोटिंग परसेंटेज इस वक्त कितनी हो चुकी है? 55% है मेरे बूथ। आपके बूथ 55% है। ओवरऑल ये जो चुनाव आयोग ने जो अरेंजमेंट किया है आप उससे संतुष्ट हो? बढ़िया जमा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई दिक्कत, किसी को कभी कभी वोटिंग में कोई मशीन खराब वगैरह ऐसा? सबसे बढ़िया चल रहा है सुबह से। सुबह से जा रहा है। और पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से पूरी मदद मिल रही है? कोई कमी नहीं है, पुलिस प्रशासन सब इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी गाइडलाइन बरती जा रही है। धन्यवाद। और हमारे बीच में यहाँ पर बूथ नंबर 83 है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अम्बाला कैंट में, और आज हम यहाँ से पता करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश शर्मा और मैं सेक्टर ऑफिसर के तौर पे तैनात हूँ। अच्छा, ये तो राकेश शर्मा जी, जो यहाँ पर कितने परसेंटेज वोटर्स होगी इस समय तक? टाइम अभी 5:30 होने को हैं और अभी 60% से ज़्यादा वोटर टर्नआउट हो चुका है, अच्छी खासी वोटिंग लग रही है। अच्छा। और उम्मीद है शाम तक शायद 70% चुनाव हो जाएगा, 70% वोटिंग हो जाएगी। तो ये बताइए, जो चुनाव ये कहता है कि जो विकलांग आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, उसके लिए क्या अरेंजमेंट किया है इन्होंने? देखिए, जिला प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए, ECI की सारी गाइडलाइंस फॉलो की गई हैं और जिस तरह की फैसिलिटीज़ बूथों पे होनी चाहिए वो दी गई हैं। जैसे विकलांग वोटर की आपने बात की या बुजुर्ग या थोड़ा असहाय वोटर की आपने बात की, तो उनके लिए व्हील चेयर देखिए, व्हील चेयर का अरेंजमेंट किया है चुनाव आयोग ने ताकि किसी भी वोटर को कोई दिक्कत ना हो। साथ में वॉलंटियर है लड़का, तो जैसे है तो ये बच्चा किसी विकलांग को साथ में लेके जाते हैं और उनको सेफली वोटिंग कराने में हेल्प करता है। तो ये तो यहाँ पर जो रेंज में सुबह से आपने देखा होगा कोई मशीन की गड़बड़ी, इस तरह का कोई माहौल तो नहीं? नहीं, इस बूथ पे कोई भी किसी भी तरह की ना तो मशीनों में ना तो तकनीकी गड़बड़ हुई और ना ही कोई अदर गड़बड़, कोई वोटर डिस्टर्बेंस वाला कुछ भी नहीं, सब कुछ ओके रहा है। तो धन्यवाद।